नमस्कार दोस्तों, बायो सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में मानव प्रजनन एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है, इसमें गर्भधारण में प्रसव तक होने वाले भ्रूण पुर्दन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में देखेंगे हम कि माता के गर्भ में 9 महीनों के अंतराल भ्रूण का प्रवर्धन कैसे होता है, किस महीने में किस तरह के अंगों का विकास होता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और देखिए कि 9 महीनों के अंतराल भ्रूण का विकास कैसे होता है। निषेचन के बाद अर्थात प्रथम सप्ताह में भ्रूण का परिवर्धन जारी हो जाता है। निषेचन के कुछ घंटे अर्थात 30 घंटे के बाद मोरूला का निर्माण होता है। इसमें कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा लगातार बढ़ती हैं और इस अवस्था में एक गेंद नुमा रचना का निर्माण कर लेता है, अर्थात जाइगोट में जो बटी हुई ब्लास्टोमियर की कोशिकाएं हैं वो गेंद नुमा रचना की तरह सज जाती हैं। निषेचन के 96 घंटों में भ्रूण में जो ब्लास्टोमियर है वो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कर लेता है और निषेचन के 5वें दिन बाद आरोपण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह प्रथम सप्ताह है, प्रायः निषेचन के 7वें दिन की प्रक्रिया आरोपण को प्रेरित करती है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के इंडोमेट्रियम में जाके चिपक जाता है। अब दूसरे सप्ताह की बात करें तो 12वें दिन आरोपण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और गैस्टुलेशन के होने पर 3 प्राइमरी जर्म लेयर अर्थात सबसे बाहर इक्टोडर्म, मध्य में मीजोडर्म और सबसे आंतरिक भाग इंडोडर्म का निर्माण कर लेता है। अब निषेचन के 3रे सप्ताह में मेंस्ट्रुएशन की अनुपस्थिति हो जाती है और आप जानते भी हैं कि मासिक चक्र का रुकना अर्थात मेंस्ट्रुएशन की अनुपस्थिति गर्भधारण की सबसे प्रारंभिक पहचान होती है। इस समय महत्वपूर्ण अंग तंत्र जैसे बैकबोन, न्यूरल ट्यूब, ब्रेन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इस समय भ्रूण की लंबाई 2 mm हो जाती है। अब 4थे सप्ताह अर्थात प्रथम माह की बात करेंगे तो इस समय हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड तथा एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इस समय भ्रूण की लंबाई 5 mm हो जाती है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत एस्थेटोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को सुना जा सकता है। अब चलते हैं 2रे माह में तो 2रे माह के अंत तक भ्रूण के पैर और अंगुलियां विकसित हो जाती हैं और भ्रूण को फीटस कहते हैं। अर्थात 2रे माह में जब भ्रूण का प्रवर्धन जारी था तो इसके अंत में इम्ब्रियो को यानी भ्रूण को अब फीटस कहा जाएगा। इस तरह क्रमशः 3रे माह अर्थात 12वां सप्ताह की बात करेंगे तो फीटस के सभी अंगों, पेशियों, अस्थियों तथा हाथ और पैर का अंगुलियों सहित विकास हो जाता है। लैंगिक अंगों का अच्छी तरह प्रवर्धन हो जाता है। इस समय बाह्य परीक्षण द्वारा फीटस के लिंग की पहचान की जा सकती है। अर्थात गर्भावस्था के 3रे माह में बाह्य परीक्षण द्वारा लिंग की पहचान की जा सकती है, परंतु भारत सरकार के द्वारा इस लिंग परीक्षण एक अपराध माना गया है। इस 3रे माह के अंत तक फीटस अपने बाहों में गति और पाद यानी पैर से प्रहार उत्पन्न कर देता है। मां को इन गतियों का एहसास होने लगता है। अब आगे की गर्भावस्था में मुख्यतः फीटस के आकार में वृद्धि होती है।
गर्भधारण दिखाई पड़ने लगता है और तीसरे माह के अंत तक फीटस की लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा इसका वजन 15 ग्राम हो जाता है। देखिए तीसरे माह तक भ्रूण के सभी अंगों का निर्माण हुआ, इसके बाद अब भ्रूण के आकार में वृद्धि होगी और अंगों का विकास जारी रहेगा। हालांकि सभी अंग महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। अब इसी क्रम में देखते हैं चौथे माह में क्या होता है। तो चौथे माह में फीटस की गति का मां को स्पष्ट आभास होने लगता है। इस समय फीटस 14 सेंटीमीटर लंबा और इसका वजन 115 ग्राम हो जाता है। पांचवें माह में फीटस के शरीर पर कोमल बाल उगने लगते हैं। इन कोमल बालों को लैनियोगो कहा जाता है। आईब्रो बन जाते हैं, आईलेसेस बन जाते हैं, हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। इस समय फीटस में हार्ट बीट प्रति मिनट 120 से 160 बार धड़कता है। पांचवें माह के अंत तक फीटस की लंबाई करीब 20 सेंटीमीटर हो जाती है। और ये देखते हैं छठवां माह में फीटस का निर्माण कैसे होता है। तो छठवें माह में नेत्र पलके खुल जाती है, जो दोनों नेत्र पलके हैं वो दोनों खुल जाती हैं। अब इस समय फीटस करीब 30 से 36 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है और इसका वजन करीब 680 ग्राम हो जाता है। क्रमशः सातवें माह में फीटस जोरदार गति करता है, यह एमनियोटिक तरल निगलता है और मूत्र त्याग करता है। यह बहुत अच्छी यहाँ परिवर्तन की दिशा है कि सातवें माह में फीटस जोरदार गति कर रहा है और जो फीटस चारों तरफ से एमनियोन झिल्ली से घिरा हुआ है, उस एमनियोन झिल्ली के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूड पाए जाते हैं उसको निगलता है और मूत्र त्याग करता है। अब क्रमशः आठवें माह में फीटस का विकास तीव्र दर से होता है, क्योंकि अब प्रसव की प्रक्रियाएं अब नजदीक आ रही है, प्रसव का समय नजदीक आ रहा है। तो आठवें माह में फीटस का विकास तीव्र गति से होने लगता है, परंतु अभी भी फीटस में लंग्स और ब्रेन का परिवर्तन जारी रहता है। यही कारण लंग्स का प्रवर्धन जारी रहता है, यही कारण है कि लोगों का मानना होता है कि आठवें महीने में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके जीने की संभावना कम होती है, क्योंकि इस समय लंग्स का प्रवर्धन जारी रहता है। अब नौवा माह यानी गर्भावस्था का सबसे अंतिम माह है यह। इस समय फीटस पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। आठवें माह के अंत में ही फीटस का सिर नीचे की तरफ आ जाता है, माता के पेल्विक गर्डल में चला जाता है और नौवा माह के अंत तक फीटस जोरदार गति करता है। उसमें गर्भाशय में उत्तेजना उत्पन्न होती है, इसी उत्तेजना के कारण फीटस गर्भ से बाहर आ जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। इस समय बच्चे का वजन करीब 7 पौंड अर्थात करीब 3.5 या 4 केजी के बीच होती है। जन्म लेते समय बच्चा जोरों से चिल्लाता है, रोता है, जिससे उसमें श्वसन की प्रक्रियाएं निरंतर चालू हो जाती हैं और स्वतंत्रता पूर्वक वह जीवन यापन करना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे प्रसव का कैसे होता है, अर्थात माता के गर्भाशय से जो फीटस है वो गर्भ से बाहर कैसे निकलता है, प्रसव कैसे होता है। धन्यवाद।